असली भागा अच्छा मतलब वायरल होने के लिए आप नंगा हो जाइएगा। लमका और गोलका क्या होता है? ये तो खेसारी जी से पूछना पड़ेगा। अरे कैसे ये बताइए, यहाँ मिलियन मिलियंस में इनका फॉलोवर है, इनका नाम है पीहू बाबू, ये भागलपुर से बिलोंग करती हैं। क्या आप ये थोड़ी जानी छील दा और घुसा दा इसमें आप बनाइएगा? अरे ये तो सॉन्ग है यार, सॉन्ग जिस। नमस्कार, मैं उमारियन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हमारे साथ जो खड़ी हैं ये टिकटॉक की स्टार पहले हुआ करती थी, अभी रील्स बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं और कई सारे टिकी वीडियोस हैं, मौज है, कई सारे प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो बनाती हैं। मिलियन मिलियंस में इनका फॉलोवर है, इनका नाम है पीहू बाबू, ये भागलपुर से बिलोंग करती हैं, इनका घर जो ऑफिशियल है वो मिर्जा चौकी है। तो इतना फेमस होने के कारण हमें लगा कि चलिए इनसे भी एक बात करें हम, कैसे इतना ज़्यादा फॉलोअर ये गेन कर रही हैं, आखिर ये क्या परोस रही हैं आम पब्लिक को, इतना ज़्यादा लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, आखिर क्या है? तो पहले इनसे ही इनका जर्नी पूछते हैं, कैसा रहा आपका जर्नी, कैसे इस फील्ड में आप आए? पहले मैं पढ़ाई करती हूँ पहले तो, और उसके बाद फिर जब टाइम बचता था तो ऐसे ही घर में वीडियो शूट कर लेते थे, वीडियो बनाते बनाते। फिर एक हमारे दोस्त हैं जो अभी हमारे मैनेजर हैं, सारा चीज़ हैंडल करते हैं, भोजपुरिया बाबू, तो वही उनसे मेरा बात हुआ, वो मैसेज किए, फिर मेरा बात हुआ, बात करते करते फिर वीडियो बनाने लगे। वो बहुत ही सपोर्ट किए मुझे, पहले लाइकी पे थे, लाइकी उसके बाद भीमेट आया, भीमेट पे थे, चाइना ऐप्स बंद हो गया, आप लोगों को भी पता होगा, तो जितना भी शॉर्ट प्लेटफॉर्म था चाइना ऐप्स का सारा बंद हो गया। और फिलहाल अभी तो ये बताइए, बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना इस फील्ड में रील्स बनाती हैं, अच्छे कपड़े पहन के बनाती हैं, ठीक है, वो आगे नहीं जा पाती हैं, आप इतना कम समय में इतना आगे कैसे चलेगा ये बताइए आप? मैं पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस ये पब्लिक का प्यार है जो मुझे इतना दूर तक ले गए, और शायद आगे भी उनका प्यार अच्छा रहा तो मैं बहुत ही आगे जाऊंगी। देखिए मेरे मन में कई सारे नेगेटिव सवाल हैं, कई सारे पॉजिटिव भी सवाल हैं, तो इनसे ये हम सबसे पहले पूछना चाहें कि जो आप रील्स बनाती हैं, क्या वो रील्स आम पब्लिक में या फिर कोई फैमिली में बैठ करके आपका रील्स देख पाए, वो सूटेबल होता है? हाँ देखते ही हैं, बहुत लोग देखते हैं। बहुत लोग देखते हैं, ये मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि कोई फैमिली मेंबर्स अगर बैठ करके, माँ बहन बेटी घर में एक साथ, भाई भी बैठा हो, उसके पापा दादा सब बैठे हों, अगर आपका रील्स वो देखना चाहें तो देख पाएंगे उस जगह पे? हाँ देख पाएंगे, बिल्कुल देख पाएंगे। देखिए ये जो बता रही हैं कि हमारा रील्स फैमिली भी देख सकेंगे, इसी बात पे चलिए एक दो रील्स आपको हम दिखाते हैं, क्या ये रील्स आप लोग अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? आपके सामने अभी हम इसको रखते हैं, ठीक है, इसके बाद आप कमेंट करके खुद बताइएगा कि ये रील्स कैसा है और ये फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के देखा जा सकता है या नहीं। कुछ रील्स मैंने आपका सेव करके रखा हुआ, दो चार रील्स। अब कुछ आप होता है ना डबल मीनिंग वाला भोजपुरी सॉन्ग रखे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ऐसा है कि मैं एक रील्स आपको बताता हूँ, ठीक है, उस रील्स से क्या लोगों को सीख मिल रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, वो आप बता दे। मुझे रील्स दिखाओ, मैं बताऊंगी कि वो फैमिली के साथ देखना है या नहीं देखना। कहने का मतलब ये है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप मतलब कुछ भी डालें, कुछ भी डालें, यही ना? कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, जिस हिसाब से मैं पहले दिखा देता हूँ, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। ये बताइए धोड़ी जानी छील द आहिर वाला फील दस का क्या मतलब होता है? ये तो आप जो सिंगर हैं उनसे पूछिए। नहीं तो आपने बनाया होगा, कुछ तो आपका मानसिकता होगा बनाने के पीछे ना? कोई नहीं, बस अच्छा लगा सॉन्ग इसलिए बना दिया। अच्छा क्या अच्छा लग गया इसमें आपको? थोड़ी जानी छील द और ये छील द घुसा द, इसका क्या मतलब है? ये जब भी मैं बनाती हूँ ये वीडियो, ये सॉन्ग पे वीडियो जब भी बनाती हूँ ये मेरा वायरल होता है इसलिए। अच्छा मतलब वायरल होने के लिए आप नंगा हो जाइएगा? नहीं, वायरल होने के लिए कोई नंगा नहीं होता है, अपने लिमिट तक मैं करती हूँ। और ये इसका क्या मतलब है थोड़ी जानी छील द आहिर वाला? ये तो आप जो गाना गाया उनसे पूछे कि क्या मीनिंग है, क्योंकि अरे जो गाना गाए वो तो जो है उनसे पूछिए, जो हम लोग कैसे बता सकते? जो गाना गाए हैं ना, हाँ? वो झोला छाप कलाकार है, तो आप भी झोला छाप कलाकार बनिएगा। क्या बोले फिर से? जो इस तरह का अश्लीलता वाला गाना गाते हैं उनको, हाँ? हम झोला छाप कलाकार में शामिल करते हैं, आप भी झोला छाप बनिएगा। अभी आप सोफिया अंसारी को टक्कर देने जा रहे थे, ठीक है, सोफिया अंसारी को टक्कर देने जा रहे थे, और कई सारे कलाकार हैं, कई सारे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे बढ़िया 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 मतलब सेलिब्रिटी बन गए हैं, वो अच्छे ड्रेस पहनते हैं, वो अपना सभ्यता और मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, क्या आप ये थोड़ी जानी छील द और घुसा दा इसमें आप बनाएंगे? अरे ये तो सॉन्ग है यार, सॉन्ग जिस हिसाब से आप सोचोगे उसी हिसाब से ना, आपका माइंड क्या कहता है। अच्छा आप एक सवाल का और आप जवाब दीजिए, अपने मम्मी पापा के सामने क्या बैठ करके इस रील को आप देख पाएंगे?
क्यों नहीं देखेंगे? आप सच बताइए, हम अच्छा वे में ले रहे हैं? नहीं, आप दिल से इस चीज को बताइए, एक्सेप्ट करिए। आप अपनी मम्मी पापा के सामने थोड़ी जानी छीनता करिएगा। एक मिनट, जब डीजे में बजता है और लोग कमर हिलाते हैं पूरा बाराती में, लड़की लेडीज माँ बाप सब मिलके जब नाचते हैं शादी वादी में, तभी तो सुनने में बहुत मजा आता है। यदि मैंने कोई रील्स बना दिया, उनको 10 मिलियन का शौक नहीं होता, आपको 10 मिलियन का शौक है, आपको बड़ा सेलिब्रिटी बनना है। इस ये सोच के नहीं बनाती हूँ कि ये गंदा गाना है, इसको बनाऊंगी तो मैं वायरल हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। मेरा अच्छा भी है तो अच्छा भी मैंने बनाया, वो भी तो देख के बताओ थोड़ा सा। अच्छाई भी, मैं अच्छाई पर भी आएंगे। एक रील्स और है, इसको भी जरा सुन लीजिए। लमका और गोलका क्या होता है? ये तो खेसारी जी से पूछना पड़ेगा। अरे खेसारी जी तो बहुत अश्लीलता फैला रखे, तो इसका मतलब आप भी फैलाइएगा। अच्छा, आपका मानना है कि खेसारी जी अश्लीलता फैला रहे हैं? अश्लीलता वो फैला ही रहे हैं। अच्छा, तभी तो ये लमका और गोलका कर फैला रहे हैं तो भोजपुरी को सरकार। आप उनका फैन है, आपको पता होना चाहिए ना कि लमका और गोलका क्या होता है। लमका गोलका वो तो बैगन के बारे में बोल रहे हैं, आप खाते भी हो। गोलका गोलका भी भंटा बैगन को गोलका बैगन। अच्छा, भंटा बैगन को बोलते हैं ना। मतलब फैमिली हो, जब बैठ के आप देखिएगा रील्स को तो बड़ा प्यार से, तो वहाँ कहिएगा कि मम्मी लमका ये बैगन है, गोलका ये भंटा बैगन है। अच्छा, मम्मी तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं करेगी कि ये लमका है कि गोलका है? अरे मम्मी नहीं करेगी तो ये बताइए, कुछ बच्चे अभी 5-6 में पढ़ते होंगे, 7 में पढ़ते होंगे, कई बार रील्स ऐसे स्लाइड करते रहते हैं, ठीक है? अच्छा। अब उनके सामने अगर ऐसा रील्स आ जाए तो कैसा फील होगा उन लोगों को, उन बच्चों को, माँ बाप को कैसा फील होगा देख करके? क्या इससे क्या क्या सीख क्या मिलता है इससे? जिसका जैसा सोच रहेगा वो ऐसे ही सोचेंगे ना। बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चा क्या सोचेंगे? बच्चा को उतना सोचने का टाइम नहीं। आजकल के जमाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी क्लास 1 में भी बच्चे नहीं जाते हैं और रील्स और वीडियोस देखने लगते हैं। हाँ, तो ये पेरेंट्स की गलती है ना कि रील्स और वीडियो दिखाने लगते हैं। मोबाइल उतना ही दीजिए, पढ़ाई के लिए दीजिए। मतलब आप जो कर, आप बच्चे को बचपन से बिगाड़ रहे हो, आगे चल के बोलिएगा मेरा। मतलब आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो बच्चे को पेरेंट्स फोन दिए वो गलत कर रहे हैं। मैं बढ़िया नहीं कर रही हूँ, मैं एक देखिए एक्सेप्ट ये कर रही है कि मैं बढ़िया नहीं कर रही हूँ। मैं एक क्रिएटर हूँ, ठीक है? मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी हमारे से बड़े हैं, सीनियर है, जो गाना गाते हैं, मुझे सॉन्ग अच्छा लगता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, बस इतना ही है। अच्छा ठीक है, ये अश्लीलता पे बात हुआ, बाकी ये अभी तक जो हमने इनसे बात किया अश्लीलता पे बात की है, बाकी इनका काफ़ी सारा अच्छा वीडियो भी है, महादेव पे वीडियो बनाती हैं। इनका हाथ में एक टैटू भी है, महादेव का टैटू, एक बार दिखा दीजिए कैमरे पर। देखिए महादेव का ये भक्त भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका फॉलोअर है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। मौज के द्वारा इनको एक 1 लाख मौज फॉलोअर का एक क्या बोलते हैं इसको, बताइए इसके बारे में क्या आपको मिला हुआ है? गिफ्ट आया, एक गिफ्ट भी मिला हुआ है। ये जोश एक नंबर, ये क्या, इसके बारे में बताइए। एक हैशटैग आया होता है 1 नंबर जोश। अच्छा, 1 नंबर जोश। हाँ, तो उसके हिसाब से मेरा वीडियो अच्छा गया हुआ था, हैशटैग पे मैंने वीडियो शूट किया था, जिसकी वजह से ये मिला है मुझे और बहुत सारा गिफ्ट मिला है। अच्छा, पढ़ाई भी करती हैं आप? हाँ, पढ़ाई भी करते हैं। अभी अभी क्या कर रहे हैं पढ़ाई में आप? कंपटीशन का तैयारी, बस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। क्या बनना है आगे आपको? डिफेंस लाइन में जाना सोचा तो है और मेहनत भी कर रही हूँ, अगले बार मेरा नहीं हो पाया, इस बार फिर से मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा आप धूम मचा के रखे हुए हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं आप? 1.5 लाख समथिंग। 1.5 लाख कमा लेते हैं? कोई क्रिएटर ये नहीं बताता कि हम कितना पैसा कमा लेते हैं, आप बड़ी ओपनली बता रहे हैं कि हम 1.5 लाख कमा रहे हैं। तो बता रहे हैं यार, कमाते तभी तो बताते हैं, ये नहीं कि फेंकना है या कोई मेरे से चुरा लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको मम्मी पापा अलाउ करते हैं ये सब चीज़ करने के लिए? अलाउ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, बस वीडियो बना रहे थे इसमें। स्टार्टिंग के फेज का पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग के फेज में? स्टार्टिंग में हर कोई चाहता है कि ये सब ना करे, मतलब बहुत लोग गांव समाज में तो आप जानते ही होंगे कि कमेंट आता है आपकी बेटी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे मम्मी पापा को भी हम समझाए, देखो मम्मी हम कुछ गलत नहीं कर रहे, पापा को भी बोले कुछ गलत नहीं कर रहे, बस मुझे जैसा आता है, वीडियो बनाने का मेरा शौक था, डांस करने का शौक था, तो चलो अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वीडियो बनाते हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, तो आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा हमारे वजह से, इसलिए कभी कुछ। अच्छा, आखिरी में एक चीज़ आपको हम बोलना चाहते हैं, ये बताइए कि आप अच्छे चीज़ों को दिखा के भी बहुत आगे जा सकते हैं। हाँ, तो हम कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा ही चीज़ दिखाएं, लेकिन देखिए एक एक सॉन्ग होता है भोजपुरी। अभी आप एक मूवी देखिए, लाल सिंह चड्ढा का बाइकॉट कितना ज़्यादा किया जा रहा है, पता नहीं। इन फ्यूचर अभी इतने मिलियन फॉलोवर हैं, इतने गंदे आप अश्लील गाना पे वीडियो बना रहे हैं, आगे आपका भी बाइकॉट हो सकता है, सोचिए कभी आप। जब बाइकॉट होगा तो ये फॉलोवर कोई काम का नहीं होगा, आप सीधे ज़मीन पर आ जाइएगा। तो हम गंदा वीडियो क्या, सिंगर लोग गाते हैं तो अभी आप वीडियो में एक्सेप्ट भी किए थे कि हाँ वो गलत है, क्योंकि देखिए फैमिली मेंबर एक्सेप्ट नहीं किया कि वो गलत है, मतलब देखिए इतना गंदा बनाती है फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
भोजपुरी, देखिए भोजपुरी वो गाते हैं, खेसारी लाल जी हैं, पवन लिंग, बहुत सारे सिंगर हैं जो सॉन्ग गाते हैं। हम लोग को सॉन्ग अच्छा लगता है, हम लोग बनाते हैं, क्रिएटर हैं हम लोग, को हैशटैग मिलता है कि ये सॉन्ग पे वीडियो बनाना है तो हम लोग बनाते हैं। बस आप जिस हिसाब से सोचते हो कि वायरल होने के लिए ऐसा सॉन्ग बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पब्लिक को, इतना इतना फॉलोवर्स है, पब्लिक को हम अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तभी तो वो हमें फॉलो किए। ये बताइए, कहीं स्टेशन पे, चौक चौराहे पे आप नाचने लगते हैं, घर वाले आपको बताते नहीं है कि ये शर्म नहीं आता, ये काम कर रही हो, क्या कर रहे हैं, कुछ किसी के यहाँ चोरी तो नहीं कर रहे हैं? चोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अश्लीलता वाला गाना चौक चौराहे पे बजा के नाचना, ये कहाँ तक ये सही चीज़ है? अच्छा, अश्लीलता वाला गाना, क्या बोले, अश्लीलता वाला गाना चौक चौराहा पे? रही बात यदि आप सर भागलपुर स्टेशन पे भी आप ट्रेन के बाहर खड़ा होकर गाना कर लेती हैं? हाँ, वीडियो बनाते हैं स्टेशन के बाहर, क्योंकि हमारी पब्लिक को पब्लिक सिटी वाली वीडियो, जंक्शन वाली वीडियो अच्छा पब्लिसिटी करना है अपना, पब्लिसिटी वाली वीडियो अच्छी लगती है उनको। जब भी जब पब्लिक में वीडियो बनाते हैं या स्टेशन पे जंक्शन पे वीडियो बनाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, अपना प्यार दुलार देते हैं, इसलिए हम बाकी जो जितने जो भी बात इनसे हम किए, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं इनके रील्स के बारे में वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी देखते रहिए सिल्क टीवी, धन्यवाद।